नमस्कार। आज हम द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत ज्ञान एवं पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र के अंतर्गत ज्ञान का आधार के विषय में अध्ययन करेंगे। ज्ञान का आधार, ज्ञान का आधार यानी ज्ञान प्राप्त करने के क्या आधार हैं? बालक जो है जन्म के उपरांत अनुभव प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। यह बात अलग है कि वह अपने अनुभव जो है उनकी अभिव्यक्ति मुख से ना करके अपने हाव भाव जैसे रोना हंसना आदि दे करके वह अपने अनुभव को बता देता है। यह अनुभव वह अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करता है, जिसे वह रोकर हंसकर बता देता है। ज्ञान प्राप्ति के मुख्य रूप से तीन स्तर होते हैं। पहला है इंद्रिय अनुभव ज्ञान, यह ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है। इस ज्ञान में इंद्रियों की मुख्य भूमिका होती है। यह ज्ञान अन्य ज्ञान इस ज्ञान में अन्य ज्ञान की आवश्यकता साधन के रूप में नहीं होती। जिस प्रकार आम को देखकर आम वस्तु का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है और व्यक्ति इसे प्रत्यक्ष रूप से देखकर इंद्रिय अनुभव ज्ञान को ग्रहण कर लेता है। इंद्रिय अनुभव ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रियों को प्रशिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। यानी इंद्रियां अगर प्रशिक्षित हैं तो ज्ञान अच्छी तरह से हो पाएगा। दोषपूर्ण जो इंद्रियां हैं वह त्रुटि का कारण बन सकती है, अतः इंद्रियों को भी प्रशिक्षित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। विषय वस्तु को पहचानने के लिए इंद्रियों का सही होना अत्यंत आवश्यक है। यानी अगर इंद्रियों में कोई भी दोष है तो हमें प्रत्यक्ष ज्ञान अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा और इंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना भी होना अत्यंत आवश्यक है। इंद्रियां अगर प्रशिक्षित नहीं होगी तो गलत ज्ञान भी ग्रहण किया जा सकता है। यह ज्ञान संपूर्ण शिक्षा की आधारशिला है, क्योंकि अगर हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही ज्ञान अर्जित नहीं करेंगी तो वह संपूर्ण शिक्षा को अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाएंगी। अतः इंद्रियों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित होना और उन्हें दोष रहित होना भी अत्यंत आवश्यक है। अन्य प्रमाणों से यह जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके लिए भी प्रत्यक्ष ज्ञान विधि का होना अत्यंत आवश्यक है। यानी प्रत्यक्ष विधि है उसी के द्वारा हम सही ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और उसी की सहायता से हम अन्य ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। यह जो ज्ञान है वह सभी ज्ञानों की आधारशिला कहा गया है, इसलिए इसका दृढ़ होना भी अत्यंत आवश्यक है। वेद ज्ञान के अंतर्गत एक और शैक्षिक अभिप्रेत निकलता है कि इंद्रिय प्रक्षेप द्वारा ग्रहित ज्ञान इंद्रिय यानी इंद्रियों के माध्यम से जो प्रक्षेप यानी सीधे रूप में जो ग्रहण किया गया ज्ञान है और वास्तविक पदार्थ के बीच समरूपता का होना अत्यंत आवश्यक है। यानी हमने इंद्रियों के माध्यम से जिस ज्ञान को ग्रहण किया है और वास्तविक जो पदार्थ है जिसको देखा है उसके बीच समरूपता का होना अत्यंत आवश्यक है। यानी जो वस्तु जैसी है वैसी ही अनुभव में होनी चाहिए।
अतः इंद्रिय प्रक्षत द्वारा प्राप्त ज्ञान का सत्यापन वास्तविक पदार्थ अथवा घटना से करवाना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रक्रिया को आत्मशुद्धि ज्ञान भी कहा जाता है, यानी इसमें पदार्थ जो है उसका सच होना या सत्यापन या सही होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर वह वस्तु जैसी है वैसी नहीं है तो वह ज्ञान इंद्रिय में जो ज्ञान है वो गलत कहा जाएगा। अतः इसके लिए पदार्थ का वास्तविक और सत्यापित होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरे स्तर पर आता है मानसिक और बौद्धिक से संबंधित ज्ञान, यानी मानसिक ज्ञान दूसरा है। मानसिक व्यक्ति अपने मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ और इंद्रियों का भी प्रयोग करता है, और वह मानसिक और बौद्धिकता के साथ वह केवल इंद्रियों पर निर्भर नहीं रहता और ज्ञान प्राप्ति के लिए तर्क और वितर्क करना प्रारंभ कर लेता है। और वह जिस तरह उसने आम को देखा तो उसको कहेंगे इंद्रिय जनित ज्ञान, और लेकिन स्मृति से ही उसने केवल अपने मानसिक स्तर पर उसको कल्पना सूक्ष्म में आम को स्मरण करके उसका ज्ञान कर लिया तो उसके कहेंगे मानसिक ज्ञान, क्योंकि इसमें स्थूल जो चक्षु है उसमें ये माध्यम नहीं बनते हैं, बल्कि वह अपनी मानसिक स्तर पर ही उसको कल्पना शक्ति के द्वारा ज्ञान अर्जित करता है, और वह सीधे उससे प्रत्यक्ष रूप में संपर्क न रख करके केवल कल्पना के आधार पर ही उसको ग्रहण करता है। तो इसको कहते हैं मानसिक ज्ञान, यानी तर्क और वितर्क से यह ज्ञान संबंधित है। इसमें व्यक्ति अपने विवेक से ही ज्ञान को अर्जित करता है, और लेकिन इसमें इंद्रियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि जब उसने पहले इंद्रियों से इस ज्ञान को अनुभव किया होगा उसी पर वह अपने तर्कपूर्ण विचारों को रखता है और उसके विषय में तर्क वितर्क करके अपने ज्ञान को स्थिर बनाता है। जैसे उसने पहले आम को देखा प्रत्यक्ष रूप से तो इसमें हुई इंद्रियों का अनुभव, लेकिन उसको उन्हें वह अपने विवेक के रूप में मानसिक स्तर पर उसको ज्ञात करता है कि उसने स्मरण शक्ति में देखा और उसको कल्पना के आधार पर उसने अपने कल्पना चक्षुओं में उसको चित्र बना करके उसको ज्ञान के रूप में ग्रहण कर लिया तो उसको कहेंगे मानसिक ज्ञान। तो ये हुआ आपका मानसिक ज्ञान। तीसरे स्तर पर आता है जिसको कहते हैं आत्म या आत्मा से संबंधित अंतःकरण से संबंधित अंतर्ज्ञान। इस ज्ञान में व्यक्ति मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ मनुष्य देवी शक्ति श्रुति और अंतःकरण से आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करता है। सुख दुख का आंतरिक प्रत्यक्ष ज्ञान करके आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान और सुख दुख जैसी विभिन्न स्थितियों के को वह स्वयं अनुभव करता है और उसी के आधार पर ज्ञान को प्राप्त करता है। यह ज्ञान जो है आध्यात्मिक ज्ञान भी कहा जाता है। इसके होने पर व्यक्ति अपने समान ही अन्य मनुष्यों को समझता है,
उनके सुख दुख को वह अपना सुख दुख मानता है और इसी ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहा गया है। इसमें मनुष्य आत्मा और परमात्मा जिसमें एक हो जाती है वह ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान कहा गया है, जिसे वेदों पुराणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहा गया है। इंद्रियों से मनुष्य को केवल स्थूल वस्तुओं और प्रकृति के विभिन्न रूपों और भौतिक संसार के बारे में ही ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है वह ईश्वर से संबंधित ज्ञान है, जो कि सर्वोपरि ज्ञान कहा गया है। यह ज्ञान जो है उच्च स्तर का ज्ञान कहा गया है। इंद्रिय जनित जो ज्ञान है वह निम्न स्तर का ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञानेंद्रियों की सहायता से होने वाले ज्ञान की तुलना में मानसिक जो ज्ञान है, जो कि बौद्धिक और विवेक से प्राप्त किया गया ज्ञान, बौद्धिक और विवेक से ज्ञान प्राप्त किया हुआ जो ज्ञान होता है वह उच्च स्तर का ज्ञान होता है, लेकिन यह बुद्धिजनित होता है और तर्क वितर्क विवेक और आंतरिक सूझबूझ और आलोचनात्मक सोच, आलोचनात्मक जो सोच होती है वह इसमें ज्ञान के साधन के रूप में आते हैं। पहले जो दो स्तर के ज्ञान है, पहले जो दो स्तर के ज्ञान है इंद्रियों ज्ञान और मानसिक ज्ञान, ये तर्क बुद्धि और ज्ञान की तुलना में आध्यात्मिक ज्ञान जो है इन दोनों की तुलना में आध्यात्मिक ज्ञान यानी अंतर्ज्ञान इसको सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहा गया है। इसका संबंध आत्मा और परमात्मा और अंतःप्रज्ञा या अंतःकरण और श्रुति से होता है, इसे हम देवी शक्ति जनित ज्ञान भी कह सकते हैं। इसको हम देवी शक्ति जनित ज्ञान भी कह सकते हैं। इस ज्ञान के अंतर्गत ज्ञाता और ज्ञेय यानी जो जानने वाला है और जिसको जानना है वह दोनों एक हो जाते हैं और उनमें अंतर नहीं रहता है। इस ज्ञान को आत्मगणित ज्ञान भी कहा जाता है। इस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय में अंतर नहीं रहता और वह एक रूप या समरूप हो जाते हैं। इसकी स्पष्टता हेतु एक संत कवि द्वारा रचित दुआ भी है, जिसमें कहा भी गया है कि जल में कुंभ बाहर भीतर पानी फूटा कुंभ जल ही समाना यह तत्व कथित ज्ञान है। यह तथ्य कथित ज्ञान यही समापन होता है। अगली वीडियो में हम आपको ज्ञान की विधियां इसके विषय में आपको अध्ययन कराएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।